और मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के पद पर थी और जिला अस्पताल में डॉक्टर बीबी सिंह सीएमएस जो है वो हम लोगों को जो है सीएम की फर्जी साइन करके जो है हम लोगों को टर्मिनेट कर दिए हैं। और इसके एक दो दिन पहले उन्होंने न्यूज़ में निकाला था कि जो है हम लोग पेशेंट से अपद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, बाहर के इंजेक्शन लिखते हैं, जो कि पेइंग वार्ड में इन्होंने खुद रूल निकाला था, पेइंग वार्ड की सारी दवाइयाँ बाहर से आएंगी अंदर, और चालीस रुपये डिपॉजिट होता है, जो कि दुर्गा पाल मैम मॉर्निंग में 200 रुपीज़ जमा करा लेती हैं और शाम को पेशेंट हम लोगों से लड़ते हैं, कहते हैं आप मेरा पैसा वापस करिए। सुल्तानपुर की डॉक्टर बीवी सिंह है, इन्होंने हमें कोई इंडिकेट नहीं किया है और हमें सीएम की बदनाम कर दिया है, हमें टर्मिनेट कर दिया। सीएमएस बहुत परेशान है, स्टाफ नर्सों को परेशान करते हैं, पूरे स्टाफ को परेशान, हर स्टाफ नर्सों से पैसा खाते हैं, ओटी से लेकर इनके साथ छेड़छाड़ की, इनके साथ हर के साथ छेड़छाड़ की बात नहीं है भैया, वो हर स्टाफ के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, सभी स्टाफ के साथ सही से पेश नहीं है। और भैया हम खुद गए बच्चों की माफी मांगे, कहें कि अभी कुछ नर्स आई थी आपके खिलाफ छेड़खानी, अभद्रता, शोषण का आरोप लगा रही थी, क्या मामला है उनका? नहीं साहब के सामने तो ऐसी कोई बात नहीं आई, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, वो मुंबई की कंपनी ने उसके विरुद्ध उनको निलंबित कर दिया है, पिछले 4-5 महीनों से उनको बराबर पत्र दिए जा रहा था और रोगियों की शिकायत थी कि उनसे पैसा ले लेती हैं, दवा बाहर से 2000 रुपये की दवा ले लेती हैं और उनको ज़बरदस्ती छुट्टी करा देती हैं, उनकी बात नहीं सुनती हैं, डॉक्टरों से दुर्व्यवहार करती हैं, इन्हों से करती हैं, कई बार समझाया गया, 3-4 बार चिट्ठियाँ दी गई, ऊपर उनको उनकी जो संबंधित है उनको चिट्ठियाँ दी गई थी संदर्भ में, वहाँ से कार्रवाई अपने आप हुई है, उनको सत्यापन किया गया और इस तरह से वो एक पत्र दिखा।